नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बगैर खर्ची पर्ची की बात करने वाली सरकार की असलियत कुछ और है। इस सरकार में बगैर पैसों के नौकरी नहीं मिलती। नवीन जयहिंद ने कहा कि आरोपी अधिकारी तो सिर्फ छोटी मछली है। अजय नागर ने दो मंत्रियों के भी नाम लिए थे लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवीन जयहिंद ने कहा कि सरकार के विधायक, मंत्री या फिर सांसद गीता को हाथ में रख ले और कसम खा ले कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो वो भाजपा सरकार जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। नवीन जयहिंद ने कहा कि 17 दिसंबर को चंडीगढ़ में मटका चौक पर पहुंचकर रोष प्रदर्शन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवीन जयहिंद जहां भी जा रहे हैं अपने साथ दो सूटकेस लेकर जा रहे हैं। इसमें एक सूटकेस में गोबर के उपले, गौमूत्र तो दूसरे में गीता और कुछ पैसे हैं। करनाल से हमारे संवाददाता विकास कौल्याण की रिपोर्ट। करनाल आने का जो मुख्य मकसद है वो ये था कि करनाल से मुख्यमंत्री जी विधायक हैं, करनाल में एक सांसद हैं, तो ये सरकार, हरियाणा सरकार दो बात कह रही है। दो बात जहां पर भी जाओ दो बात कह रहे हैं ये। एक कि हरियाणा सरकार में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, हरियाणा के किसी सरकारी कार्यालय में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, एक बात तो ये कह रहे हैं। एक बात ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भर्तियों के अंदर कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती, कोई भ्रष्टाचार नहीं चलता। ये दो बात कहते हुए इनके एमपी, इनके एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री कहते घूमते हैं पूरे हरियाणा में। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।